अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू शोएब शो चैनल। आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाजू दिखने वाला बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। ये बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों, और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 नारियल को ग्रेट कर लिया है दोस्तों, मीडियम साइज़ के 3 नारियल। तीन नारियल के लिए मैंने 1.25 किलो गुड़ लिया है। मैं गुड़ को अच्छे से कूट लिया हूँ दोस्तों, आप चाहे तो ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। इसको नारियल के साथ ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम गैस को अभी ऑन नहीं किए हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कर लेंगे दोस्तों। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी गैस को ऑन कर लेते हैं। मैंने 5 इलायची को अच्छे से क्रश कर लिया है, अभी इसमें ऐड कर लेते हैं। हमारा गुड़ पिघलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हमारा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, इसे लगातार चलाना होगा। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे बैठ सकता है और जल सकता है दोस्तों, इसीलिए आप इसे लगातार चलाइए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप चाहे तो इसमें इसी समय घी को भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। हमारा बर्फी जो है काफ़ी हद तक बन चुका है। पैन के साइड्स को छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, और बहुत ही कम समय और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है दोस्तों। प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारा बर्फी जो है अभी रेडी हो चुका है। अगर आप इसको हाथ में लेकर देखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, गोल बॉल सा बन जाएगा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चिपक रहा है। अभी हम इसको प्लेट में पलट लेंगे। मैंने प्लेट को यहाँ पहले ही घी को ग्रीस करके रखा था दोस्तों। मैंने यहाँ अच्छे से फैला लिया है,
हम इसको गरम में ही कट कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। हमारी कोकोनट बर्फी बनकर के तैयार है।